नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बारी मुख्य समाचार के इस वीडियो में। देश और दुनिया के तमाम बड़े और महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार से। दरअसल आज लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। तेज प्रताप यादव ने आज नीतीश कुमार को LRL अगरबत्ती के बाद में LRL जी हाँ आपको बता दें लालू राबड़ी चावल का उद्घाटन किया। LRL के द्वारा अब चावल की भी निर्यात किया जाएगा। दरअसल अब LRL द्वारा चावल के तमाम प्रोडक्ट को बनाने के साथ LRL अब इस फील्ड में उतर गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे क्या इस तरीके का एक बड़ा कंपनी के लॉन्च करने के बाद जो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह चावल भेंट किया जाएगा। ये बेहद बड़ी खबर है, पूरी खबर 5 मिनट में विस्तार से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तेजस्वी यादव पटना आए। पटना में तेजस्वी यादव से मिलने के लिए नेताओं का तांता लग गया। दरअसल आपको बता दें कि नेताओं का तांता तेजस्वी यादव की आवाज पर लगातार लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब तेजस्वी यादव जब पटना लौट आए हैं तो अब खेला भी हो सकता है। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने की उम्मीदें भी जग उठी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने तो वीडियो पर इस बार लाइक कर पूरा समर्थन कर दीजिएगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर के। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बने रहेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। फिलहाल राजद के वरिष्ठ नेता के तौर पर लालू प्रसाद यादव हैं और लालू प्रसाद यादव ही राजद के मुख्य आधार और बने रहेंगे। अभी लालू के बाद में राबड़ी या तेजस्वी को सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है या फिर नहीं दिया जा सकता। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मुकेश सैनी को लेकर। मुकेश सैनी ने जिस तरीके से बिहार में MLC चुनाव में खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और JDU के खिलाफ चुनाव लड़ने का मोर्चा संभाला तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 24 सीटों पर हमारे उम्मीदवार तैयार हैं। अब आपको बता दें VIP पार्टी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ अपने तमाम उम्मीदवारों को उतारने के लिए तैयार हो गई है। MLC चुनाव में पूरी ताकत के साथ इस बार वह 24 सीटों पर उतरेंगे और इसके साथ वह जीत हासिल करने के लिए पूरा प्रयासकत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शराब को लेकर के। दरअसल तेजस्वी यादव के घर से शराब मिला। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के विधानसभा से शराब मिलने के मामलों में एक बार पुलिस ने ड्रोन से शराब को पकड़ा था और शराब के तस्कर को पकड़ा था। तेजस्वी यादव के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में दियरा वाले इलाकों में देशी और विदेशी शराबों को जहाँ ड्रोन के माध्यम से पकड़ा। तस्कर के साथ भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। एक बार इस वक्त बड़ी खबर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है IPL सीजन की शुरुआत के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ाई। इसके साथ एक बार फिर से IPL पर बड़ा संकट छा गया है। IPL के सीजन के शुरुआत के साथ जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ा तो अब आपको बता दें कि तमाम खिलाड़ियों का दाम जो है वो इस बार काफी ज्यादा हाई कर खरीदा गया है। खिलाड़ियों की खरीदारी पर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी में मारे जाने वाले किसान के बेटे एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएंगे। 2024 में लखीमपुर खीरी से वह चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि अजय मिश्र टेनी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़कर 2022 में वह जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें किसान का जान उस वक्त गया था जब मंत्री के बेटे ने सीधे जीप यानी थार गाड़ी उसके ऊपर दी थी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है असदुद्दीन ओवैसी पर हमले किए जाने के बाद में ओवैसी ने कहा नहीं लेंगे सुरक्षा, बिना सुरक्षा के ऐसे ही चलेंगे। एक ओवैसी को मारोगे तो हजार ओवैसी पैदा होंगे। ऐसे लोगों को सख्त जय कानून के मोहरे पर चढ़ाना चाहिए तो सरकार इन्हें नहीं चढ़ाती। ओवैसी को लेकर के समर्थन में एक तरफ दिखाई दिए आपको समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव। उन्होंने ओवैसी पर हुए हमले की निंदा करते हुए बड़ा सवाल दाग डाला।
बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिस तरीके से कर्नाटक सरकार के द्वारा एक बड़े निर्णय को लिया गया, इस निर्णय के लिए जाने के बाद में अब कोर्ट में इस निर्णय को चैलेंज किया गया है। कर्नाटक सरकार ने हिजाब में आने वाली तमाम छात्राओं पर रोक लगाया, कहा कि हिजाब पहनकर नहीं आया जा सकता, जाति धर्म से उठ करके स्कूल और कॉलेज हुआ करता है, यह पढ़ाई का एक केंद्र है, यहाँ पर किसी जाति को प्रमोट नहीं किया जाता, इसलिए हिजाब पहनकर ना आए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अब आदेश जारी की गई। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों के तीसरे चरण के लिए लिस्ट जारी किया है। लिस्ट में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ कई वरिष्ठ नेता, हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता भी शामिल है। स्टार प्रचारकों में दरअसल आपको बता दें कि कई नेताओं के साथ इस बार कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी को तय करेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीद है कि वह कुछ बड़ा कर सकती है, तो इसीलिए अब प्रियंका गांधी के समर्थन में हार्दिक पटेल समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छोटे बड़े सभी नेता आते जा रहे हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, इस वक्त मशहूर गायिका लता मंगेशकर का तबीयत और ज्यादा बिगड़ने से डॉक्टरों ने कहा कि फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। लगातार आपको बताएं लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ती जा रही है। लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ने के साथ ही उन्होंने आपको बता दी कि बहुत पहले ही डॉक्टरों ने कहा था कि आप बस अब प्रार्थना ही कर सकते हैं, अब इसके अलावा आपके हाथों में और कुछ नहीं है। लता मंगेशकर को बचाने के लिए डॉक्टर की एक स्पेशल टीम लगी हुई है। कोरोना से लंबे समय से पीड़ित है लता मंगेशकर। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत तमाम विभिन्न राज्यों में बर्फबारी की स्थिति देखी गई। बर्फबारी होने से काफी ज्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ी, इसके साथ बर्फबारी की स्थिति कई जगहों पर सामने निकल कर आई। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं ने जमकर बर्फबारी में अपना आनंद लिया, तो दूसरी तरफ लोगों की बर्फबारी में मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आई। तमाम आम रोजाना की जिंदगियों में बर्फबारी से मुश्किल। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, कोरोना के बढ़ते मामलों ने 24 घंटों में थोड़ी राहत की तस्वीर एक बार फिर से सरकार को दे दी है। 24 घंटों में कोरोना 1,27,000 नए मामले सामने आए, तो 1,59,000 आपको बता दें कि लोगों की मौत की तस्वीर अभी सामने आई। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट जो है वो काफी ज्यादा तांडव मचा रहे हैं। इन वेरिएंटों के आने से लोगों की खासतौर पर परेशानियां बढ़ी है, जिसको देखते हुए इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर निकल सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, दरअसल समाजवादी पार्टी पर फिर से के FIR नोएडा में दर्ज करा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ जयंत चौधरी की जोड़ी ने कमाल दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जयंत और अखिलेश के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए लिखा गया कि मुकदमों में आपको आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि सरकार ने बिजली मुक्त करने की बात कही तो मुक्त क्यों नहीं किया, किसानों ने अब इस पर सवाल पूछा। किसानों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है, तो ना तो रोजगार मिली ना तो बिजली मिला, तो अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे नंबर पर जी हाँ उत्तर प्रदेश कैसे गया। उत्तर प्रदेश का इतना ज्यादा उछाल होने के बावजूद में लोगों में किसी प्रकार से सस्ते दरों पर लोगों को कुछ क्यों नहीं दिया जा रहा, बिजली की मोटी रकम भी असूली जा रही है, प्रीपेड मीटर लगाने पर भी बड़ा बवाल मचता हुआ दिखाई दिया। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही इस वक्त, दरअसल हरियाणा में 18,000 किसानों ने सरकार से किया मुआवजे की मांग। 18,000 हरियाणवी किसानों ने कहा कि सरकार मुआवजे की उपलक्ष में पैसे दे, क्योंकि उनके फसल भारी बारिश के साथ ओले की वृष्टि लगातार बारिश होने से फसल पर तबाही पड़ी है, जिसके साथ गेहूं के फसल पूरी तरीके से टूट गए हैं। इस पर सरकार का बड़ा हमला। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, चुनाव के बाद में बढ़ जाएंगे एलपीजी सिलेंडर की कीमत। एलपीजी सिलेंडर की कीमत महज चुनाव के समय ही ठीके हुए हैं। इसके साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगातार मिल रही सब्सिडी का पैसा अब बहुत कम हो जाएगा, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम होने के साथ एलपीजी सिलेंडर अब चुनाव ही कम रहेगा। वहीं पेटीएम जैसे तमाम साइट्स द्वारा अगर आप एलपीजी सिलेंडर को बुक करते हैं तो कैशबैक के तौर पर आपको बड़ा सुनहरा दिया जा रहा है, तो आप भी तुरंत आनंद जरूर लें।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आज बीएससीबी बोर्ड के इंटरमीडिएट के छात्रों ने जहां कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों के साथ परीक्षा दिया, तो वहीं अब तमाम बोर्ड परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। दरअसल बिहार में बीएससीबी बोर्ड ने कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का ध्यान रखते हुए छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी। उसके बाद में देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों ने इस बार परीक्षा देने के लिए बीएससीबी बोर्ड के तौर पर ही परीक्षा देने की अपील भी की है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ इस बार की परीक्षा में काफी आसानी हो रही है, जिससे उसी तरह कदर पर कराने की बात और शुरू हो गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आपको बता दें मुलायम सिंह को एक बार फिर से शांतिपूर्ण लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वह पूरी तरीके से इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव के समर्थन में है। वहीं अखिलेश यादव के समर्थन में शिवपाल यादव के साथ आने से कहीं ना कहीं एक तरफ शिवपाल यादव पूरी ताकत के साथ और ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने ताकत को झोंके हुए हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले वक्त के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं हम। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस वक्त। पंजाब समेत मुंबई के तमाम लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया। घर से पहले निकलने से पहले अपने ट्रेनों के स्टेटस के बारे में जानकारी जरूर ले ले। ठंड के साथ लगातार पटरियों पर चल रहे काम के कारण अब ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, इसलिए घरों से बाहर निकलने से पहले अपने रेल सेवा के बारे में जानकारी ले लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में वापस आ पाएंगे। लेकिन चर्बी और गर्मी की लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में एक तरफ लगातार छाई हुई है, जहां अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत पत्र चुनाव आयोग को लिखा कि उन्होंने इस तरीके से गर्मी और चर्बी की बात उतारने की जो कही है वह सरासर गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनावी सभाओं में किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुँचाया जा सकता, लेकिन आताहत जिस तरीके से पहुंचाने के प्रयास की जा रही है यह सरासर गलत है। लोकतंत्र में सबकी अधिकार है, सब कोई अपनी बातों को रखता है, लेकिन बातों का रखने का मतलब कतई ये नहीं कि आप किसी को इस तरीके से गर्मी और चर्बी को उतारने की बात कहेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर अब इस वक्त की यह निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी। इस बार जयंत चौधरी के साथ आने से जाट समाज का वोट पर सबसे बड़ा प्रभाव तो पड़ ही रहा है, तो अखिलेश ने ब्राह्मण समाज के वोटों को साथ लाने के लिए पुजारियों को लेकर के बड़ा ऐलान कर डाला। उन्होंने तमाम लोगों को यह आश्वासन दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो समाजवादी कैंटीन खुलेगा। इसके साथ किसानों को बिल्कुल मुक्त कर्ज जो है वो किया जाएगा, यानी कर्ज का जो लोन है वह पूरी तरीके से आपको बिना ब्याज के दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में इस बार आपको बता दें कि पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्थाओं को इस कदर किया जाएगा कि क्राइम करने वाले तमाम क्रिमिनल थरार जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी पेशकश कर रही है। इस दौरान अब बड़ी पार्टियों के साथ छोटे दलों के नेताओं के उतरने की तस्वीरें भी सामने आ रही है। जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार वह अखिलेश के साथ हैं और अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़कर RLD संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। RLD को उम्मीद है कि वह इस बार सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव का सपोर्ट यानी समर्थन करेगी, लेकिन RLD को साथ लाने के लिए भाजपा ने भी कुछ बड़ा ऐलान किया। भाजपा ने जयंत चौधरी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जयंत चौधरी ये नहीं समझ रहे हैं कि जो अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं वो अखिलेश यादव अपने पिता की बात को नहीं सुनता तो भला जयंत की बात को क्यों सुनेगा, जयंत की बात को सुनने के लिए उसके पास है ही क्या, तो अगर जयंत चाहे तो आ सकते हैं। अमित शाह ने इस तरीके के बड़ा हमला किया और योगी आदित्यनाथ ने ही इन्हीं सर्दियों में गर्मी बनाने की बात भी शुरू कर दी है। सर्दी में गर्मी की बात और मई जून में शिमला बना देने की उत्तर प्रदेश की बात की शुरुआत कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की कुर्सी पर किसका अधिकार होता है और कौन मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री चाहे जो कुछ भी हो, जो भी हो, उत्तर प्रदेश में विकास जो करेगा उसी की उत्तर प्रदेश की जनता वोट और सपोर्ट दोनों करेगी। उत्तर प्रदेश ने यह साफ तौर पर हर एक बार मुख्यमंत्री को बदल कर सिलेक्ट कर दिया है कि किसी भी मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार कतई नहीं देंगे। जात पात से उठकर उन्होंने विकास के ऊपर हमेशा से वोट किया है। इस बार भी विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा सामने रहेगा। बड़ी खबर, जय हिंद।